हेलो दोस्तों, इंद्रिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अकरम और आज की इस वीडियो में हम रियलमी 3 का जो है गेमिंग टेस्ट करेंगे और साथ साथ में जो है इसका जो कितना हीट होता है ये फ़ोन और बैटरी बैकअप का भी जो है पता कर लेंगे। तो ये गेम खेलने के बाद जो है पता चल ही जाएगा कि कितनी देर तक जो है आप पबजी गेम खेल सकते हो या इसका बैटरी बैकअप कितना जो है मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर देख लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल 35 सेल्सियस है और बैटरी लेवल है 54%। ओके, तो इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ ताकि जो है पता चले कि कितना टेम्परेचर हाई होता है और बैटरी बैकअप जो है कितना ये देता है। तो मैं यहाँ पे जो है वाईफाई को ऑन कर लूँगा क्योंकि जो ये पबजी गेम है अभी फ़िलहाल जो एक अपडेट आया है 200 MB के ऊपर है, तो वो अपडेट करने के बाद ही जो है गेम को हम प्ले कर पाएंगे, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। ओके, तो चलिए जो है यहाँ पे पबजी गेम को जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा गेम। और ये जो फ़ोन की मैं बात करूँ, रियलमी 3 जो 9000 की प्राइस है, इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है हीलियो का, मीडियाटेक का हीलियो P70 का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी बढ़िया जो है वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। वो 9000 की प्राइस में हालांकि आपको इतना अच्छा प्रोसेसर जो है किसी भी फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो रियलमी 1 जो निकला था तब हीलियो का P60 दिया था, वो जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और ये भी जो है काफ़ी मतलब अच्छा फ़ोन है। इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, 9000 के प्राइस में एकदम बेस्ट प्रोसेसर जो है आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे ग्राफिक को जो है मैं सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आप HD में हाई सेटिंग के साथ जो है हम प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मोड में मैं क्लासिक जो है रख देता हूँ। HDR मोड अभी फ़िलहाल जो इसके लिए अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून यहाँ पे बता रहा है। ओके, HDR मोड पे मैं अपने iPad के अंदर जो है खेल पाता हूँ, और Vivo का जो V15 Pro जो अभी हाल ही में जो मैंने लिया था उसके अंदर भी जो है HDR मोड अवेलेबल नहीं है। तो कमिंग सून लिखेला हुआ है, लेकिन HD मोड पे जो है खेल सकता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा गेम जो है प्ले हो चुका है। तो थोड़ा सा मैंने स्किप करके और फास्ट मोड पे जो है खेला है, क्योंकि मैंने लगभग ये जो गेम है इस फ़ोन के अंदर मैंने जो टेस्ट किया है 28 मिनट, मतलब 28.5 मिनट के आसपास जो है मैंने ये गेम को प्ले किया है, और ये जो वीडियो है ये 10 मिनट का वीडियो है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब फास्ट मोड पे जो है कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ऑप्शन अगर आपको चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन शॉट लेना है, कॉल को रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ जो है यहाँ पर स्वाइप करना है, तो इस तरह से जो है ये नोटिफिकेशन मोड जो है यहाँ पे आ जाएगा। और भी बहुत सारे मतलब फीचर है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के जो है बताऊँगा, और इसका मैंने रिव्यू भी नहीं बनाया अभी फ़िलहाल इस रियलमी 3 का, तो रिव्यू जो है आने वाला है। मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ इस फ़ोन का। अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो की लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके जो है आप चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए फटाफट यहाँ पर किल करना चालू स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैग वैग जो है बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है, हालांकि मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट मोड कर दिया है तब भी मुझे जो है कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। हाँ, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप जो है आपको देखने को मिलेगा, माइनस एकदम मतलब एकदम बहुत ही कम आपको फील बिल्कुल भी जो है नहीं होगा। ओके, तो प्ले एकदम आराम से जो है होगा। तो चलिए इसको मारते हैं स्टार्ट। तो हमारा हो चुका है यहाँ पर एक किल कम्प्लीट करते हैं इसको मार के। तो यहाँ पर एक किल जो है हमने कम्प्लीट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आप बताइए आपको लोग जो पबजी गेम खेलते हो या नहीं, या कितनी देर तक खेलते हो, आप नीचे कमेंट करके जो है आप मुझे बता सकते हो। मैं भी खेलता हूँ, जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है या कोई भी टेस्टिंग का होता है तब खेलता हूँ। ये रहा, इसको भी मार देते हैं। तो यहाँ पे 2 किल जो है हमने कर लिया है, और ये जो गेम है ये मेरा मतलब जो ओरिजिनल आईडी नहीं है, या मैंने सिर्फ गेस्ट मोड पे जो है खेल रहा हूँ। मेरा जो ओरिजिनल आईडी है अकरम मलिक 85, तो उसके अंदर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी जो है आप भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा गेम के बारे में मतलब वीडियो बनाने की या लाइव खेलने की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, ब्राइटनेस सब कुछ मतलब बढ़िया है, स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर दिया गया है, और इसका जो छोटा सा नॉच है इस फ़ोन का आप देख सकते हो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, और पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर जो है नॉच दिया हुआ है। छोटा सा नॉच है, इस वजह से जो है ये इतना मतलब कवर नहीं करता स्क्रीन को। तो यह इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे 3 किल जो है हो चुका है कंप्लीट, 3 किल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे है हमारा दोस्त, देखता हूँ बचा पाते या नहीं। ओहो, मार दिया, पहले ही मार दिया।
तो चलिए दोनों को यहाँ पे ठोकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 किल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, दोनों को मैंने मार दिया है, 5 कंप्लीट हो चुका है। शायद ये स्टार्टिंग मतलब जो ये गेम है फिलहाल जो मैं गेस्ट मोड पे खेल रहा हूँ, तो शायद जो प्रो प्लेयर है उनको जो है का यहाँ पे ऐड नहीं किया, इसलिए जो है आसान से जो है यहाँ पे सब किल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पे, ये भी मरने के लिए यहाँ पे खड़ा है, तो इसको भी यहाँ पे मार देते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब मरने के लिए बाहर आ रहे हैं। ओके, तो हीटिंग मुझे थोड़ा सा जो है अभी फ़िलहाल फील जो है यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा। ओके, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कितना डिग्री जो है यहाँ पे हीट होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 गोली में जो है AKM से मर चुका है। मेरा जो फेवरेट गन है इस पबजी गेम के अंदर AKM है, जो काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है AKM, क्योंकि काफ़ी मतलब जो गोली की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है और काफ़ी जल्दी मतलब मर जाते हैं किसी को भी मारना हो तो। मैं हमेशा AKM के साथ ही जो है पबजी को प्ले करता हूँ। और हाल ही में मैंने जो है प्राइम प्लस का जो जो मेंबरशिप था वो मैंने लिया है, लगभग 390 रुपये जो है मुझे पड़ा है मैंने। हालांकि जो सीज़न पास था वो नहीं लिया है, रॉयल पास, सीज़न रॉयल पास जिसकी प्राइस है 1800 रुपये, अगर आप ख़रीदते हो क्रेडिट कार्ड से तो आपको 1950 रुपये का जो है पड़ेगा। मैंने वो फ़िलहाल नहीं लिया है, मैंने सिर्फ जो पबजी का प्राइम प्लस चल रहा है तो वो मैंने लिया है 390 रुपये का। तो इसके बारे में एक वीडियो आने वाला है कि कैसे आप जो है लोगे और क्या क्या मतलब आपको पहले जानना चाहिए उसके बाद जो आपको लेना चाहिए। ओके, तो पूरा वीडियो जो है आएगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे 8 किल जो है यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए चलिए जाते हैं और भी थोड़ा किल कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ओके, और ये फ़ोन अगर आपको ख़रीदना है तो मैं कहूँगा यार बेस्ट फ़ोन है, 9000 की प्राइस में काफ़ी बढ़िया फ़ोन जो है आपको मिलता है इस रियलमी की तरफ से। रियलमी के दूसरा भी एक फ़ोन आने वाला है, उसका भी वेट कर सकते हो। या अगर आपको और भी अच्छा प्रीमियम लुक फ़ोन चाहिए या प्रीमियम फ़ोन चाहिए तो आपको रियलमी 3 प्रो जो अभी अप्रैल के अंदर भी जो है लॉन्च होगा तो वो आप ले सकते हो। इससे थोड़ा महंगा होगा, ओके, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका बजट 9000 है तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा इस रियलमी 3 है। और 10000 की बजट अगर आपका है तो आप रेडमी नोट 7 भी जो है आप ले सकते हो। तो आने वाले एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा 4000 से लेकर 10000 के बीच में कौन कौन से फ़ोन जो है सबसे बेस्ट है। मतलब किसी का बजट 4000 होता है, किसी का 5000 होता है, तो उस बजट में कौन सा फ़ोन मतलब फिट बैठता है उसके बारे में जो है एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फ़ोन जो है सबसे बेस्ट है उसके हर मतलब उसके उसी प्राइस में। ओके, तो आप इंतज़ार करना और वीडियो का और बेल आइकन को अगर आपने इनेबल नहीं किया है नोटिफिकेशन तो वो इनेबल कर देना। ओके, तो यहाँ पे 10 किल हो चुका है, तो यहाँ पे 11 किल हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे हम आ चुके हैं हम हो चुके आउट। किसी ने हेडशॉट मार दिया है यहाँ पे, एक गोली में गया काम से। यहाँ पे 6 नंबर पे है, लगभग कम से कम मैंने आपको बताया कि 28.5 मिनट के आसपास जो है ये मैंने गेम प्ले किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हीटिंग की मैं बात करूँ तो हीट मुझे फील हो रहा है। हालांकि इस जो रियलमी 3 है इसके अंदर प्लास्टिक बॉडी दी गई है ताकि जो हीट कम हो। अगर इसमें जो मेटलिक फिनिश अगर बॉडी दे जो रियलमी के फ़ोन मतलब रेडमी के फ़ोन में जो देखने को मिलता था तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता। ओके, सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं। यहाँ पे 45% जो है लेवल यहाँ पे बैटरी लेवल है और 45% जो है यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। मतलब 10 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और बैटरी लेवल जो कम हुआ है वो 9%, 10 मतलब 9% में 28 मिनट के आसपास जो है यहाँ पे हुआ है। मतलब लगभग 4.5 से 5 घंटे तक जो है आप पबजी गेम जो है इसमें खेल सकते हो। और यहाँ पे जो बैटरी टेम्परेचर है मुझे थोड़ा सा मतलब हाई लगा है, ऊपर साइड में ज़्यादा जो है हीट हुआ है, नीचे इतना नहीं है, ऊपर की साइड में थोड़ा सा हाई हुआ है और 10% है। मतलब 45 से 46 तो होता ही है अगर आप ज़्यादा देर तक अगर गेम खेलो तो। किसी भी फ़ोन में मैंने बहुत से फ़ोन के अंदर मैंने टेस्ट किया है तो 45% तो पहुंच जाता है, तो आप इसे नॉर्मल कह सकते हो, इग्नोर कर सकते हो इस सेल्सियस को। ओके, इतना मतलब प्रॉब्लम वाली बात जो है इसमें नहीं, उससे ज़्यादा अगर जाए 48 अगर पहुँच जाए तो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है।
तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।